चलिए आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले देखिए आपके सामने वाक्य लिखा हुआ सेंटेंस, मेरा दोस्त कल दिल्ली गया है। इसकी हम दो तरह से सेंटेंस इस पे भी बनाए हैं, आपके सामने लिखे हैं। इसका मीनिंग देखिए, माय फ्रेंड हैज गॉन टू दिल्ली स्टडी, और दूसरा क्या है, माय फ्रेंड वेंट टू दिल्ली स्टडी। हम इन दोनों में फर्क करना कौन सही है कौन गलत है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो पहले हम इस टाइटल के बारे में जानते हैं, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, क्या होता है पूर्ण, जो काम पूरा हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट, ठीक है ना। जब काम पूर्ण है उसको हम लोग प्रेजेंट कैसे बोल सकते हैं, पहले बताइए। मेरा दोस्त कल दिल्ली गया है, इसमें जो कल शब्द लगा है किसको इंडिकेट कर रहा है, आने वाले कल, सॉरी बीता हुआ कल को बता रहा है। मेरा दोस्त कल दिल्ली गया है, ये जब चल गया है आने की संभावना इसमें नहीं होती, ठीक है। माय फ्रेंड हैज गॉन टू दिल्ली स्टडी, आपको देखेंगे लगभग हम लोगों को यही वाला स्ट्रक्चर सिखाया अभी तक पढ़ाने के लिए, 90% टीचर अभी तक यही हम लोग पढ़ाते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, लेकिन ये गलत होगा। इसका स्ट्रक्चर ये होगा, आई माय फ्रेंड वेंट टू दिल्ली स्टडी, ये करेक्ट होगा। ये क्यों करेक्ट होगा इसको आपको मैं सिद्ध करके बताता हूँ, देखिए। धन्यवाद। मान लीजिए ये कोई पूल है, यहाँ पर मजदूर लगे लगभग हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, वर्क विल बी स्टार्ट हियर, यहाँ से काम स्टार्ट होगा वर्क, यहाँ से करते करते मान लीजिए यहाँ तक शाम हो गई, ठीक है ना। जब शाम हो गई तो यहाँ पर दो प्रकार के वर्क स्टार्ट होंगे, दो प्रकार की क्रिया होगी, एक है इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट, एक होगा इम्पैक्ट विथड्रॉज ऑन प्रेजेंट। मतलब एक पर काम का प्रभाव पड़ेगा, एक पर काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो काम का प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा उसको हम लोग जानते हैं, इम्पैक्ट विथड्रॉज ऑन प्रेजेंट में क्या होगा, टाइम स्वाइंग वर्ड्स आर यूज, इसमें टाइम स्वाइंग वर्ड दिया जाएगा, जैसे अगो, जस्ट, बिफोर, स्टडे, इस तरह के आपको वर्ड जरूर दिए रहेंगे। इसके क्या हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट का हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस है, न कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको आप नहीं बोल सकते। जिसमें जिस सेंटेंस में अगर टाइम लगा है, दुनिया की कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें टाइम लगा है वो परफेक्ट का नहीं हो सकता, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, सिंपल पास्ट का होगा, याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। इसको पहचानने के लिए, सिंपल पास्ट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए टाइम स्वाइंग वर्ड्स दिया रहेगा, जैसे वर्ड आपको कुछ बता दिए, अगो शब्द, जस्ट, बिफोर, स्टडे, इट इज, यू आर कॉल्ड सिंपल पास्ट, ओके। अगर जिसमें यही जो टाइम स्वाइंग वर्ड इसमें नहीं दिया रहेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसलिए यहां पर देखिए आपको टाइम दिया हुआ है, क्या है टाइम, और जिसमें टाइम दिया रहता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कभी नहीं हो सकता, वो सिंपल पास्ट टेंस में उसका स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। सिंपल पास्ट टेंस के क्या रहता है, देखिए सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस क्रिया का वी2 प्लस ऑब्जेक्ट लेता है। अगर इसी को हम लोग परफेक्ट में बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस के साथ क्रिया का भीतरी लेगा, स्ट्रक्चर में क्या लेगा, ये क्रिया का भीतरी प्लस अदर वर्ड आपका स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह के बनेंगे आपको स्ट्रक्चर लेगा, ओके। धन्यवाद। इसको ध्यान से आप देखें, इसको आप कई स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, इसमें हजारों स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं चाहेंगे तो, ठीक है ना। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आई वेंट, और दूसरा शब्द लिख दिया आई, आई है
आई बेंट और आई हैव गॉन में क्या डिफरेंस है? इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मैं गया। इसका भी कोई हिंदी होगा? मैं गया। खूब करेंगे तो हूं लगा, दोनों अंतर क्या मिला भाई? गया तो ये भी है